वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू रुबीना टू किचन। आज मैं आपके लिए चिकन चाइनीज़ राइस लेकर आई हूँ, तो चलें हम इसको तैयार करते हैं। इसको तैयार करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बटन बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स पर आते हैं। मैंने चूल्हा जला दिया है, फ्लेम जो है वो मैं कम ही रखती हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने लिए हैं 300 ग्राम कैबेज है जो मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 250 ग्राम गाजरें हैं ये भी छोटी छोटी कटी हुई हैं, शिमला मिर्च भी 250 ग्राम है, मटर मैंने आधा कप लिया है तकरीबन 200 ग्राम। इसके अलावा ये मैंने लहसुन को छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है बघार करने के लिए। चिकन मैंने बॉईल कर ली थी, तकरीबन 300 ग्राम है ये और इसको छोटे से टुकड़ों में मैंने तैयार कर लिया, छोटा छोटा सा टुकड़ा कर लिया है इसको, इसके थ्रेड से बना लिए हैं। काली मिर्च और नमक आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, मैंने एक एक टीस्पून लिया है। ये है सोया सॉस 1 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच और वाइट विनेगर है ये 1 से 1.5 चम्मच है तकरीबन। तो सबसे पहले आते हैं, आपको मैंने बता दिया था कि फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डालूंगी ताकि मैं इन वेजिटेबल्स को तैयार कर सकूं। उसके बाद फिर चावल मैंने भिगोए हुए हैं, चावल मैंने 3 कप तकरीबन भिगोए हुए हैं और उसको मैं बॉईल करके अभी साथ ही साथ शामिल करूंगी। सबसे पहले मैं इस ऑयल में थोड़ा सा ये गर्म हो जाए लहसुन डालूँगी, लहसुन को मैंने सौते करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। लहसुन सौते हो रहा है, इसके साथ चिकन मंचूरियन भी होती है और शाशलिक भी होता है। आज मैं आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं तैयार करके दिखाऊंगी, शाशलिक इसके बाद में तैयार करूंगी, जो कि यकीनन आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। देखिए ये थोड़ा सा सौते हो गया है, अब मैं इसमें चिकन डालूँगी, श्रेडेड चिकन, चिकन के छोटे छोटे से टुकड़े। अब मैं इसमें यहाँ आँच थोड़ी सी कम करूँगी, मटर, फिर कैबेज, साथ में मैं थोड़ा थोड़ा सा इसे चलाती भी जाऊंगी, 1 से 2 मिनट तक इसे पकाऊंगी। और फिर मैं इसमें बाकी के ये वेजिटेबल डालूंगी। अब इसमें गाजर, देखिए गाजर की वजह से कितना खूबसूरत सा कलर आ जाता है, इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करूंगी आराम से। अब मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी, ये देखेंगे बस इतने अच्छे से पक रहे हैं। अब ये टूटे ना तो मैं इन्हें आराम से मिक्स करती हूँ। अब मैं आती हूँ उसमें नमक और काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, समटाइम जब ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले गेस्ट आते हैं तो मैं इसमें सूख मिर्च के फ्लेक्स भी डालती हूँ, आप भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मैं घर के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें कुटी हुई काली मिर्च और चिली सॉस की मिर्चें ही काफ़ी हैं। अब इसमें मैं विनेगर ऐड कर देती हूँ,
इसको पकाते हुए हमें तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं और ये तकरीबन तैयारी के मराहिल पे है। अब मैं चलती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर भी आ रहा है और इसका अरोमा भी बहुत अच्छा निकल रहा है। अब मैं चावल बॉयल करके आपके पास आऊँगी। व्यूअर्स, ये मैंने राइस बॉयल कर लिए हैं, ऑलमोस्ट तैयार हैं। चूल्हा मैंने ऑन रखा है, पतीली गर्म हो रही है, अब मैं इनकी मिक्सिंग करूंगी। वेजिटेबल तो आपके सामने तकरीबन तैयार हो चुके हैं। बस ये बहुत ही अच्छी सी चाइनीज़ चिकन राइस तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपके लिए नई डिश आउट करती हूँ। इसके साथ आप मंचूरियन तैयार कर सकते हैं, चिकन शाश्लिक तैयार कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।